तो दोस्तों, आपने इस तरह का पॉन क्यूरिंग कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको क्यूरिंग करने के चार मेथड बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्यूरिंग कहाँ पे करनी चाहिए। जैसे कोई बर्फीली एरिया है तो वहाँ पे कौन सी क्यूरिंग करनी चाहिए, अगर कहीं पे ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे कौन सी क्यूरिंग करनी चाहिए, किसी स्ट्रक्चर में अगर तुरंत स्ट्रेंथ चाहिए तो उसमें कौन सी क्यूरिंग करनी चाहिए। दोस्तों, ये सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बस हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का प्रैक्टिकल वीडियो आप एक भी मिस ना कर पाओ। दोस्तों, क्यूरिंग का फर्स्ट मेथड है वाटर पॉन्डिंग और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड। जैसे आपने छत में देखा होगा, रोड में देखा होगा, कहीं पीसीसी हो रहा है वहां पे देखा होगा। लेकिन दोस्तों, बहुत लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, इसे पॉन्डिंग बनाकर पॉन्डिंग के अंदर क्यूरिंग करते हैं और साइड के सारे एरिया छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि बाद में ना क्रैक डेवलप होने लगता है। आपको करना क्या है, इसमें ऐसे खाली नहीं छोड़ना है, यहाँ पर इसमें गुनी बैग डाल के उस पर पानी छिड़क के हमेशा गीला करके रखना है ताकि इसका भी जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर गेन हो। तो दोस्तों, आज का नेक्स्ट मेथड है गुनी बैग क्यूरिंग। दोस्तों, आप देख रहे हो इस कॉलम से सेटरिंग हटाया गया है और इस पे कास्टिंग का डेट डाला जाएगा। दोस्तों, कास्टिंग का डेट क्यों डालते हैं ये जानने के लिए कमेंट में आप सिर्फ ये टाइप कीजिए। इसमें डेट डालने के बाद कॉलम को अच्छे से गुनी बैग से कवर कर दिया जाता है और इसको लगभग 7 दिन के लिए पूरा गीला करके रखना ताकि इस पे स्ट्रेंथ जो है वो प्रॉपर गेन हो। दोस्तों, यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि गुनी बैग को ना जैसे तैसे डाल कर कुछ एरिया कवर करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। दोस्तों, इससे होता क्या है कि जिस एरिया कवर होता है वहां तो स्ट्रेंथ पूरा आ जाता है, लेकिन बाकी एरिया में प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आ पाता है, जिसके कारण कॉलम में क्रैक्स डेवलप होने लगता है। दोस्तों, अगला मेथड है स्टीम क्यूरिंग। दोस्तों, स्टीम क्यूरिंग क्या होता है, वाटर वेपर। दोस्तों, स्टीम क्यूरिंग उन जगहों पे किया जाता है जहां पर कंक्रीट का अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है, जैसे किसी बर्फीली एरिया है या कहीं पे ज्यादा ठंड पड़ती है, जैसे कोई नदी या समुद्र में ब्रिज बन रहा है, उसका फाउंडेशन का काम चल रहा है और वहां पर अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, वहां पर क्या करते हैं, स्टीम क्यूरिंग करते हैं। दोस्तों, क्यूरिंग करने का लास्ट मेथड है केमिकल क्यूरिंग। दोस्तों, स्लैब कास्ट हो जाने के बाद ऊपर से केमिकल को अच्छे से स्प्रिंकल किया जाता है, यानी कि छिड़का जाता है, ताकि जो इसका मॉइस्चर है वो लॉस ना हो और हमारा स्ट्रक्चर पूरा हमेशा कूल रहे। दोस्तों, ये कुछ केमिकल्स के नाम है जो केमिकल क्यूरिंग में यूज किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल में बताने वाला हूँ। सिविल के जितने सारे टेस्ट होते हैं, कॉम्पैक्शन टेस्ट, सलम टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, जो आपको कॉलेज में कभी समझ में नहीं आता था, वो सारे टेस्ट मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए।